हेलो बच्चों, थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। इस लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ मार्किंग स्कीम, सीबीएसई पैटर्न फिजिक्स के लिए मार्किंग स्कीम। तो जल्दी जल्दी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पेपर का ओवरव्यू दे दूँगा कैसे आता है पेपर। तो इसमें जो मैंने आपको बताया था, यूनिट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, और यूनिट टू, अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने आप देख लीजिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये यूनिट दोनों जो हैं ये आती हैं 16 मार्क्स की। अब पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ा बहुत, लास्ट ईयर का जो पैटर्न है अभी मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो और जो यूनिट थ्री है, यूनिट थ्री मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड यूनिट फोर जो आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑटोनेटिक करंट, ये दोनों यूनिट जो हैं, ये दोनों यूनिट हैं 17 मार्क्स की जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक्स, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने जो आपको बताया था लास्ट लेक्चर, जिसने नहीं देखा वो अपने आपको पहले लास्ट लेक्चर देख ले, है ना, उसके बाद इंटरकनेक्ट करेगा आगे। अगली जो यूनिट है, ठीक है, जो जिसमें मैंने बताया था ऑप्टिक्स, जिसमें EM वेव पढ़ना था, रे ऑप्टिक्स पढ़ना था, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना था, ये टोटल आएगा 18 मार्क्स। थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो देख लेना आप लोग बुक में एक बार सही से, ठीक है। उसके बाद जो हमने अगली यूनिट पढ़नी थी, जो कि थी डुअल नेचर वाली, वो आएगी 12 मार्क्स की। और उसके बाद जो अगली यूनिट थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें सेमीकंडक्टर आता था, देखो यहाँ पे लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर, ये अब 7 नंबर की हो गई है, 7 मार्क्स। तो आप इन सबको जोड़ लो, ये बैठेंगे 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स आपके हो गए एक्सटर्नल, और इंटरनल हो गए 30, तो हो गए टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको पेपर के पैटर्न के बारे में भी बता देता हूँ कि पेपर आता कैसे है। तो पेपर के अंदर चार सेक्शन मिलेंगे आपको, A B C D। आपको शायद ये बात पता होगी, बट फिर भी मैं जिन जिन को नहीं पता उनको बता देता हूँ। सेक्शन ए में आपको अब से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 20 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन तो MCQ मिलेंगे, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट मिलेंगे। ये 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन सारे एक नंबर के 10 मार्क्स हो गए, ये भी 5 क्वेश्चन सारे एक मार्क्स के 5 नंबर हो गए, ये भी 5 क्वेश्चन सारे एक मार्क्स के 5 नंबर हो गए। तो जो पहला सेक्शन है वो टोटल कैरी करता है 20 मार्क्स टोटल, ठीक है। अब सेक्शन बी पर आ रहे हैं, बी पे जो है, बी पे हमें 7 क्वेश्चन मिलते हैं टोटल। इन 7 क्वेश्चन में 7 के साथ 2 नंबर के होते हैं, ये हो गए 14 मार्क्स, यानी कि जो हमारा सेक्शन बी है वो 14 मार्क्स का है अब से, ठीक है। और मैं चॉइसेस बता देता हूँ, चलिए चॉइसेस आप थोड़ा डिफ़र करती रहती हैं, बट मैं आपको देख के बता दूँगा। चॉइसेस आपको जाननी हो बेटा तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वह, और सेक्शन सी पाते हैं। सेक्शन सी में भी अब से 7 क्वेश्चन आते हैं, और इसके अंदर 7 क्वेश्चन सारे के सारे 3 मार्क्स के, यानी कि 21 मार्क्स। तो सेक्शन सी हमारा 21 मार्क्स का है। लास्ट सेक्शन बचा सेक्शन नंबर डी, इसके अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं, और तीनों के तीनों क्वेश्चन में 5 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 15 मार्क्स का ये हो गया। तो यह हो गया हमारा, तो ये जो लास्ट है ये हो गया आपका लास्ट सेक्शन 15 मार्क्स का। तो इसका मतलब सेक्शन ए बी सी डी यानी कि 20 मार्क्स, 14 मार्क्स, 21 मार्क्स और 15 मार्क्स मिला के हो गए टोटल 70 एक्सटर्नल एग्जाम, ये आपका पैटर्न हो गया। जहाँ तक मेरे को याद है इसमें 3 चॉइसेस होती हैं सेक्शन डी में, यानी कि 3 क्वेश्चन में टोटल 3 चॉइस आपको मिलेंगी हर क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर आपको 2 चॉइस, इसके अंदर आपको 2 चॉइस, और इसके अंदर भी शायद 2 चॉइस हैं, आप देख लेना एक बार। तो ये होगी मार्किंग स्कीम, और पहले के लेक्चर देख लेना अगर आपको इंटरकनेक्ट करना है, जो मैंने आपको बताया था सिलेबस का, कि हमारा सारा का सारा सिलेबस इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट बुक के बारे में NCERT की, जिसमें हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट,
एंड ईएमआई आती थी ये बुक नंबर सेकंड, जिसमें ईएम वेव, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर आता था। तो ये लेक्चर नंबर 1 है, ये लेक्चर नंबर 2 है और ये लेक्चर नंबर 3 है। आप एक बार जाके वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहला चैप्टर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर के लिए इंतजार करिए।